हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 10 ऐसे बैंक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर 30 से 50 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित होगा, तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI ने स्टूडेंट्स के लिए लोन की स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है SBI स्टूडेंट लोन स्कीम। SBI स्टूडेंट्स को एजुकेशन के पर्पस के लिए 30 से 50 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है। उसके ऊपर आपको 8% से 12% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है पर ईयर, जो कि मामूली है। जैसे आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी तो आप ये लोन रिपे कर सकते हो। सेकेंड बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक स्टूडेंट्स को 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है जिससे स्टूडेंट्स अपनी हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस, एजुकेशन फीस भर सकते हैं। एक्सिस बैंक 8.5% का पर ईयर का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। थर्ड बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक स्टूडेंट्स को 50 कोर्सेज के लिए 36 कंट्रीज में मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है। ये लोन लेने के लिए आपकी एज 16 से 35 इयर्स तक की एज होनी चाहिए। HDFC बैंक आपको 8% से 10% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है पर ईयर। फोर्थ बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने PNB सरस्वती स्कीम एंड PNB उद्यान स्कीम लॉन्च की है स्टूडेंट्स के लिए, जिसके वजह से स्टूडेंट्स 10 लाख रुपए से ज्यादा का लोन यहां से ले सकते हैं। उसके ऊपर उनको 8% से 10% तक का इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। फिफ्थ बैंक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक स्टूडेंट्स के लिए 20 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है जिससे स्टूडेंट्स प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं, अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये बैंक आपको 8% से 10% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। इसके बाद IDBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अलाहाबाद, इंडियन ओवरसा, इस तरह के बैंक आपको 20 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है। ये थी कुछ टॉप बैंक्स जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।